ठाकुर आपके किसी श्यामपुर के रहने वाले थे जिन्होंने इस आवाज को आवाज किया, और साथ ही आज हम इन्हें याद वैसे समय में कर रहे हैं जब पूरा देश आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है। आज का शहादत, आज का ये शहादत दिवस का कार्यक्रम ऐसे मौके पर हम लोग मना रहे हैं, इन्हें याद कर रहे हैं जब पूरा देश इस छोर से लेकर के उस छोर तक आग लगा हुआ है। आप सुने होंगे, आप जानते हैं अखबार पढ़ के, आप जानते हैं टीवी देखकर, मीडिया के माध्यम से आप तक खबर आती होगी कि पिछले 8 साल से हमारे देश के केंद्र में जो सरकार बैठी है, ये सरकार को किसानों से कोई वास्ता नहीं है। इन सरकारों को नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं। देश के हर चौक चौराहे पर माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनके इज्जत से इनका कोई सरोकार नहीं। बस एक ही सरोकार है, एक ही नारे के साथ ये सरकार आई है, और हिंदू मुसलमान के माध्यम से गरीबों की एकता को तोड़ने का ये संकल्प ले बैठा है, जिसका परिणाम दोस्त आज हम भुगत रहे हैं, आज देख रहे हैं। आपने सुना होगा 4 दिन पहले रांची में क्या तांडव हुआ, रांची में किस तरह का तांडव हुआ, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर हर मस्जिद में शिवलिंग की खुदाई और उसे खोजने के नाम पर देश के हिंदू और मुसलमान को आपस में ये लड़ा दिए हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करके, इनके बीच की एकता को बर्बाद करके इस देश के गद्दी से चिपके रहना इनका मूल मकसद हो गया, बल्कि गरीबों की जेन्युइन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, गरीबों के सवालों से इनका कोई वास्ता नहीं। दो भागों में लोगों को बांट दिया और बांट कर ये राजनीति इस देश के अंदर करने का संकल्प ले रखा है। इसके साथ ही कॉमरेड जगदीप बाबू ये बात बहुत पहले समझे थे, उस जमाने में समझे थे, उन्होंने कहा था ये सांप्रदायिकता की आग भड़का करके इस देश को बांटने की जो साजिश जिसके पहले की सरकार, पूर्व में यूपीए की सरकार, जो लंबे समय से कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश का बागडोर रहा, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने पर्दे के आर से सांप्रदायिक नीति को देश में लागू करके उन्होंने भी मंदिर और मस्जिद और धर्म की बातें ला करके गरीबों की एकता को तोड़ने का लगातार प्रयास करता रहा, और उनके इसी नारे को बीजेपी के साथियों ने देकर के ऊंची आवाज में चिल्ला करके कहा था कि भाई ये कांग्रेस जन विरोधी सरकार है, किसानों का कोई मुक्ति नहीं मिल सकता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सकता, माँ बहनों की इज्जत नहीं बचाई जा सकती। ये तमाम सवालों को चिल्ला करके इनकलाब के रूप में इन्होंने लाया और देश के नौजवानों के बीच ये नारा बुलंद किया। उस समय देश के नौजवान, छात्र, किसान, मजदूरों ने सोचा कि नहीं, जन विरोधी सरकार, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, और हम सबों ने मिल करके कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका, और उसके बाद इस देश के गद्दी पर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई। लोगों को आशा था, लोग बड़ी ही तमन्ना और उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बागडोर देश का दिया, और उन्होंने सोचा था कि गरीबों की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और शिक्षित बच्चों को शिक्षा की गारंटी होगी, माँ बहनों की जो दिन दहाड़े इज्जत लूटी जाती है उनके इज्जत पर विराम लगेगा। लेकिन साथ ही ये तमाम सपना सपना का सपना ही रह गया। जब से ये सरकार आई है, तब से जब भी नौजवान अपने रोजगार के सवाल को लेकर सड़क पर आंदोलन करते हैं, पुलिस के माध्यम से लाठी गोली पिस्तौल चलाई जाती है उन पर, उनके बदन पर लाठी चार्ज करके डंडा चलवा करके उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा इस देश के किसानों ने एकत्रित होकर के दिल्ली के चारों ओर सभी बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन तेज किया, किसानों के खिलाफ ये नए कृषि कानून, जो 3 काला कृषि कानून था, ये मोदी के नेतृत्व में लागू करने की साजिश रची गई थी।
ये बीजेपी की सरकार ने इस देश के किसानों को बर्बाद करने की नीति लाई और वो नीति तीन काले कृषि कानून के तौर पर आया हमारे देश में। लेकिन इस देश के किसानों ने इस नीति को समझ गया और उन्होंने तय किया कि बीजेपी के माध्यम से लाई गई ये जन विरोधी कृषि कानून को इस देश के सरजमीन पर मैं लागू होने नहीं दूंगा। उसमें हमारा भी हमारी प्रिय पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट का किसान संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन शामिल था। इस देश के 500 से ऊपर किसानों ने किसानों का संगठन इस नीति के विरोध में देश के कोने कोने में आंदोलन तेज किया। उसमें नेतृत्व की भूमिका हमारा AIKKMS ने निभाया। हमारे पार्टी के नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया प्रदान किया। ये मोदी जी नहीं सोचे थे, उनको ये मालूम नहीं था कि किसानों की बाजुओं में इतनी ताकत है, मजदूरों के बाजुओं में इतनी ताकत है जो हमारे सपना को चूर कर देगा। जबकि ये सरकार कही थी कि मैं इस नीति को वापस किसी भी कीमत पर नहीं ले सकता, ये कानून पास होगा और उन्होंने पास कर भी दिया था। लेकिन किसानों ने भी कहा कि जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं करोगे तब तक हम भी आंदोलन से वापस नहीं जाएंगे। अंततः आपने देखा 13 महीने की लंबी लड़ाई चलती रही और 13 महीने में कड़ाके की ठंड भी आई और चिलचिलाती धूप का भी सामना किसानों ने किया, हमारी माँ बहनों ने किया, छात्र नौजवानों ने किया। 700 से ऊपर किसानों ने अपना बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी और कुर्बानी के बदौलत बीजेपी सरकार को घुटना टेकने पर मजबूर किया। पूरी दुनिया में चर्चा हुई इस बात की आंदोलन के ताकत से आज भी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। मजदूरों के बीच एक आशा के रूप में एक रोशनी आई और किसानों का ये आंदोलन नौजवान छात्र किसान मजदूरों को एक नया रोशनी प्रदान किया और फिर से देश के युवाओं में इस देश के किसानों में ये आशा जगा कि नहीं, आंदोलन छोड़कर कोई दूसरा ताकत नहीं है। आपने भी सुना होगा, आपको भी जानकारी होगी कि पिछले साल किसान आंदोलन इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई और ये मोदी जी माफी मांगते हुए इन्होंने इस कानून को वापस भी लिया और किसानों को फ्री किया। लेकिन इनकी नीति इसके अंदर भी गड़बड़ रही। इनकी नीति जो कायरता पूर्वक था वो आज भी है और जो वादा इन्होंने किया था कि किसानों के फसल पर MSP कानून लागू करने के लिए कमेटी गठित करेंगे, इन्होंने आज तक कोई कमेटी नहीं गठित किया। जो और वादा किए किसानों किसान नेताओं के साथ वो तमाम वादा को ये सरकार भूल गई और ये सिर्फ एक चुनाव मंत्री के रूप में रह गए। हमारे और आपके बीच चर्चा है कि हमारे देश के ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोस्त बात अब वैसा नहीं रह गया। विदेशों में भी चर्चा हो रही है, दुनिया के सभी देशों में चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के PM नहीं है बल्कि देश के जो विश्व की एक बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसके चुनाव मंत्री के रूप में हैं। और आपने देखा तब से लेकर के आज तक ये सरकार सिर्फ यही एजेंडा तय करती है कि उस राज्य में हमारी पार्टी की सरकार कैसे बनेगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी आपने देखा, गरीबों का सवाल इनके एजेंडे में नहीं रहा। आपने यूपी के चुनाव को भी देखा, वहाँ भी किसानों के किसी भी सवाल को इन्होंने अपने जुबान पर नहीं लाया। हमेशा इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से भी अपने वक्तव्य के माध्यम से भी उसी मंदिर की बात कहते रहे, उसी मस्जिद का बात कहते रहे, जैसे लगता है कि दुनिया में और इस जमीन पर मुसलमान इंसान नहीं है। मुसलमानों से दूरी बढ़ा करके हिंदुओं को एकत्रित करके एक साजिश रची गई कि बाकी छोटे छोटे दल वो जात की राजनीति करते हैं, वो ज्यादा बात करता है, गोली बात करता है, वो पीछे दलित महादलित की बात करता है। मैं राम के नाम पर तमाम हिंदू को एक झंडे के नीचे लाठ खड़ा कर दूंगा और यही कोशिश की रही। इसी कोशिश के माध्यम से पूरे देश में ये तांडव मचा दिए। आपने भी सुना कि भारत को नाक दिखाने लायक विश्व में रहने नहीं दिया। आज हमारे देश का सर झुका है दुनिया में। ये हिंदू मुसलमान का जो नारा इन्होंने दिया
इनके पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा नाम आप जानते होंगे, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के संदर्भ में इस तरह की छिछला भाषण कर दी हो, इस तरह की ओछी बातें उन्होंने कह डाली कि दुनिया के तमाम छोटे छोटे अरब कंट्री में भारत के विरोध में भारत के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गया। आपने उसके परिणाम के रूप में देख रहे हैं, चाहे पटना हो, चाहे यूपी हो या झारखंड का रांची हो, आज देश के तमाम शहरों में आग लगा हुआ है। सभी जगह मुस्लिम जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आज दोनों समुदाय के लोगों को सांप्रदायिक उन्माद फैला करके धार्मिक वातावरण पैदा करके भलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री का चुप्पी अभी तक नहीं टूटा है। आपने इनके पहले सुना, इन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा देंगे, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा। धारा 370 को हटा दिया गया, लेकिन आतंकवाद पर लगाम आज तक नहीं लगा। इन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू करने के बाद आप देखेंगे काला धन वापस आ जाएगा। साथ ही हम लोगों ने उस दिन को भी देखा कि नोटबंदी लागू करने के बावजूद भी कोई काला धन वापस नहीं आया। इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो देश में नहीं आए, लेकिन इस देश के अंदर बुरा दिन जरूर आ गया है। ये बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो आज तक आजादी के 75 साल तक जो घटनाएं नहीं घटी थी, आजादी के 75वां साल में आज हमारा देश उस चौराहे पर आकर के खड़ा है। दुनिया के बाजार में भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की आर्थिक मंदी एकदम नीचे गिरता जा रहा है। ये बात बीजेपी के लोगों ने भी कबूल करना शुरू कर लिया। ये पीएम, ये प्रधानमंत्री भी इस बात को सीने से खारिज नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अब महसूस कर रहे हैं कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही उसके बावजूद भी इन नारों में इन्होंने उस सच्चाई को ढकने का कोशिश किया है, उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है। इसलिए साथी, जो जिस विचारधारा को कॉमरेड जगदेव बाबू अपने जीवन में ही समझ गए थे, और उसी समझ और बूझ के आधार पर कॉमरेड चिंतास घोष के चिंतन को अपने जीवन में अपनाते हुए इस जमीन पर फैलाने का एक जिम्मा लिया था, एक सच्चे सिपाही के तौर पर वो इस धारा को, इस विचार को किसानों के बीच ले जा करके, मजदूरों के बीच ले जा करके, और सबों को खड़ा करते हुए कहा था कि देश का आज़ादी चुनाव के रास्ते से नहीं मिलेगा। चुनाव के रास्ते से हम सत्ता परिवर्तन करते हैं, एक व्यक्ति को हटा करके दूसरे व्यक्ति को लाते हैं, पीएम को हटाते हैं, सीएम को हटाते हैं, एमपी एमएलए बदलता है, लेकिन ये कानून वही रह जाता है, रूल वही रह जाता है। गरीबों का शोषण पहले भी जारी था, आज भी जारी है, और भविष्य में भी जारी रहेगा। इस बात को कॉमरेड जगदेव पासवान बखूबी तरीके से समझ पाए थे, तभी उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भी छोड़ दिया, उनकी चिंता उन्होंने नहीं की। आपके सामने उनका बेटा आपके बीच है, वो ड्राइवरी करता है, खलासी का काम करता है। ये जगदेव बाबू इसकी परवाह किए बगैर, इसकी चिंता किए बगैर कि कल आने वाले दिन में हमारे बच्चे क्या करेंगे, आज हम लोग विचार करते हैं, सोचते हैं और कमाई करते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, अपने आने वाले जेनरेशन के लिए, लेकिन उन्होंने इनकी चिंता बगैर किए, बिना सोचे उन्होंने यही सोचा कि हमारे समाज पर जो आक्रमण हो रहा है, हमारे देश पर जो हमला हो रहा है, और जिन जहरीली नीतियों को लागू करके इस देश की एकता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, निश्चित तौर पर जब तक हम जिंदा रहेंगे इस नीति के विरोध में एक सच्ची क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी SUCI के झंडे को बुलंद करेंगे, मजदूरों की आवाज को बुलंद करेंगे। इस रास्ते में चलने में अगर मुझे बलिदान भी देना पड़े तो बलिदान दूंगा, गोली भी खाने की बात होगी तो गोली भी खा करके
गरीबों की लड़ाई को रुकने नहीं दूंगा। और उन्होंने इस बात को चरितार्थ किया, इन्होंने 11 जून को अपना शहादत देते हुए इस क्षेत्र के तमाम गरीबों को और मजदूरों को स्पष्ट रूप में एक संदेश देकर के चले गए, ताकि ये भी चुनावी रास्ते से कोई दल हो, कोई पार्टी हो, आए पुनः फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाए। आपने देखा है बिहार के गद्दी पर लालू यादव के भी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही है, उनकी भी पत्नी बिहार की सीएम बनी, वो स्वयं भी बिहार के सीएम बने, आज नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे राज्य को भी झांक कर आप देखेंगे, वहाँ भी किसी न कोई दल का सीएम है। और आप यूपी जाएंगे, वहाँ बीजेपी की सरकार है, किसी और राज्य में जाएंगे तो किसी और पार्टी की सरकार है। परंतु जब बीमारी ढूंढेंगे, वो बीमारी सभी राज्य में एक जैसा पाएंगे। गरीबी पश्चिम बंगाल में भी है, हमारे बिहार में भी है। आप यूपी के नौजवानों के बीच जाकर देखेंगे, उनको भी रोजगार नहीं है तो बंगाल के नौजवान भी बेरोजगार हैं। आप तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ भी माँ बहनों का इज्जत सर